वैसे तो यार बॉलीवुड में काफ़ी सारे खान हैं, लेकिन बॉलीवुड चलता है इन तीन खानों के नाम से, यानी कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों खान की अपकमिंग मूवी और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में जिन फिल्मों को रिलीज़ किया जाएगा 2024-25 में। तो कौन सी फिल्म कब आ रही है इसी वीडियो में बात करेंगे। तो जानने के लिए हर बार की तरह छोटा सा काम करना होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए आए हैं। तो दोस्तों बात करें फर्स्ट फिल्म जो होने वाली है सितारे ज़मीन पर। सितारे ज़मीन पर एक सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्टर दे रहे हैं आर एस प्रसन्ना। और यह फिल्म वैसे तो सीक्वल होने वाला है 2007 में आई सितारे ज़मीन पर, लेकिन इस फिल्म के लीड रोल में आपको आमिर खान, जैनी लेवर, डिसूजा जैसे कलाकार नज़र आने वाले हैं। जिस फिल्म के अंदर आपको आमिर खान एक कोच के रोल में नज़र आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें भरपूर कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें इस फिल्म की जो शूटिंग है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जिस फिल्म को रिलीज़ किया जाना है क्रिसमस 2024 में ही दोस्तों, जो कि आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी भाई। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है किंग। किंग एक एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे सुजाय गौस, जिसके लीड रोल में आपको शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और सुहाना खान नज़र आने वाले हैं। और यह फिल्म भाई काफ़ी बड़े लेवल पर बनाई जाने वाली है, जिसका बजट लगभग 300 करोड़ होगा, जहाँ पर शाहरुख खान आपको डॉन का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे, यानी कि विलन के रोल में। तो भाई साहब इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इस फिल्म को रिलीज़ किया जाना है 2025 की शुरुआत में सिनेमाघरों में। यार बात करूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है सिकंदर। सिकंदर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे एआर मुरुगदोस, जो कि गजनी, जो कि 200 करोड़ कमा चुकी है, इन्होंने ही बनाई है। और इसके लीड रोल में आपको सलमान खान, रश्मिका मंदाना और सत्तरा जैसे कलाकार नजर आएंगे। और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो भी जोरों शोरों से चल रही है, जिस फिल्म को लगभग 400 करोड़ के बड़े बजट में बनाया जाने वाला है नाडियावाला गैंगस्टर प्रोडक्शन के बैनर तले, यानी कि साजिद नाडियावाला इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस फिल्म को रिलीज़ किया जाना है ईद 2025 में। यार आते हैं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है एक अनटाइटल एक्शन ड्रामा फिल्म, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे राजकुमार संतोषी, जो कि घातक, घायल जैसी और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्में बनाई चुके हैं, जिसके लीड रोल में आपको आमिर खान नजर आएंगे। जिस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हाल फिलहाल के अंदर राजकुमार संतोषी लाहौर 1947 फिल्म बना रहे हैं सनी देओल के साथ, और जैसे ही वो फिल्म पूरी तरह से कम्प्लीट होगी, जिस फिल्म को प्रोड्यूस आमिर खान ही कर रहे हैं, तो इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर आपको आमिर खान का भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। जिस फिल्म की शूटिंग 2024 के एंड में स्टार्ट होगी और फिल्म को 2025 में रिलीज किया जाएगा दो सिनेमाघरों में। यार बात करूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है द बुल एक एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे विष्णु वर्धन, जिसके लीड रोल में आपको सलमान खान और त्रिशा जैसे कलाकार नजर आएंगे। और इस फिल्म को थोड़ा सा डिले किया गया है फिलहाल। जी हाँ दोस्तों, हाँ कैंसिल नहीं किया गया। इस फिल्म के अंदर आपको एक ट्रू स्टोरी दिखाई देने वाली है, जहाँ पर सलमान खान एज अ मेजर का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, यानी कि भाई वो फिर से सोल्जर का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग 2025 में स्टार्ट होगी और फिल्म को 2025 के एंड यानी कि दिसंबर 2025 में ही रिलीज किया जाना है सिनेमाघरों में। भाई बात करूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है पठान टू एक स्पाई एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे सिद्धार्थ आनंद जी, जो कि वॉर पठान जैसी फिल्में बना ही चुके हैं। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको फिर से नजर आने वाले हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, क्योंकि यह फिल्म सीक्वल है 2023 में आई पठान का। जी हाँ दोस्तों, तो इस फिल्म के अंदर आपको नए विलन नज़र आने वाले हैं, जहां पर पठान फिर से एक नए मिशन पर जाएगा और तबाही मचाएगा। जिस फिल्म की शूटिंग 2025 में स्टार्ट होगी और फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा 2 जनवरी 2026 में, यानी कि लगभग 2025 ही समझ लो यार, जिसे भाई हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज किया जाएगा सिनेमाघरों में। दोस्तों बात करूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है एक अनटाइटल एक्शन थ्रिल फिल्म, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे एटली कुमार, जो कि बिगिल, मार्शल और हाल फिलहाल में जवान जैसे बेहतरीन ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बना चुके हैं। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको सलमान खान नज़र आएंगे और इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा, जहां पर आपको साउथ का तड़का बॉलीवुड में लगता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यह तड़का लगाएंगे एटली कुमार, जैसे उन्होंने जवान फिल्म में लगाया था। इस फिल्म को प्रोड्यूस सन पिक्चर और सलमान खान की खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि सलमान खान फिल्म सी बनाएगी, जिस फिल्म को रिलीज़ किया जाना है 2026 में ही। दोस्तों बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है टाइगर वर्सेस पठान, जो कि एक स्पाई एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है और ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में आपको शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, अन्य कलाकार नजर आएंगे। और इस फिल्म को डिले कर गया है क्योंकि टाइगर 3 सिनेमाघरों में खास चल नहीं पाई थी। इस फिल्म को वैसे तो जो 2026 में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन यह फिल्म थोड़ी सी डिले होते हुए नज़र आने वाली है और यह फिल्म है तीनों खानों की आने वाली फिल्म। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।